नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस पे। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में और उसके लेवल्स और टारगेट के बारे में बताएंगे। दोस्तों ये शेयर इतना बेहतरीन है कि जब जब अपना हाई को ब्रेक किया है तब तक एक बड़ी मोमेंटम इस स्टॉक में देखने मिला है और एक बेहतरीन सेक्टर का स्टॉक है जो आने वाले समय में आपको काफी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो दोस्तों इस स्टॉक के लेवल्स और टारगेट और इस स्टॉक के कैरेक्टर के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। तो ये स्टॉक से हमारा देखते हैं स्कॉट्स लिमिटेड, ये काफी बेहतरीन स्टॉक में से एक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं वीकली चार्ट हम लगा लेते हैं, मंथली चार्ट से ज्यादा बेहतरीन होगा वीकली चार्ट पे हमें समझना। और इसको हम थोड़ा सा स्मॉल कर लेते हैं, तो इतना ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और लार्ज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो चलते हैं पीछे से हम देखते हैं इस स्टॉक के कैरेक्टर को। ये स्टॉक काफी बेहतरीन मतलब रिटर्न दिया अपने इन्वेस्टर को और इस बेहतरीन रिटर्न में क्या राज छुपा है उसको जानेंगे। तो दोस्तों अब हम यहाँ से शुरू करते हैं, देखिए इसके स्टॉक के कैरेक्टर को पहचानना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2009-11 में भी इसमें करेक्शन आया था, तो ये स्टॉक बार बार तेजी दिखाता और इसके बाद इसमें एक बार करेक्शन भी आता है। तो ये स्टॉक का कैरेक्टर है इस स्टॉक का कि एक बार तेजी देखने मिलेगा फिर से वो उसमें एक गिरावट देखने मिलती है इस स्टॉक में, यही इस स्टॉक का कैरेक्टर है। लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 2013 से इस स्टॉक के कैरेक्टर के बारे में। 2013 से ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा रिटर्न दिया है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये स्टॉक जो है, जब बात करते हैं हम 2016-17 में, तो ये अपना जो ये हाई है देख सकते हैं 394 रुपये का, मतलब करीब 400 रुपये के आसपास का जो हाई है उसको जब ब्रेक किया एक बड़ा मोमेंटम देखने मिला और यहाँ पर एक नया हाई बनाता है। पहले जो हाई था 400 रुपये के आसपास उसको ब्रेक करता है तो एक नया हाई बनाता है 750 से ऊपर का और फिर से इसमें एक अच्छा करेक्शन आता है। फिर करेक्शन के बाद फिर से यहाँ पर जब ये अपने हाई को ब्रेक करता है तो एक बार ये यहाँ पर देखते हैं फेक ब्रेकआउट, यहाँ पर अपने हाई को टच करता है फिर वापस आ जाता है। लेकिन दूसरी बार जब अपने ये हाई के ऊपर जाता है देखते हैं 800 के ऊपर, तो इसमें एक और बहुत बड़ी तेजी देखने मिलता है, मतलब 750 तो 780 के ऊपर जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम इसमें देखने मिलता है आपको और ये लगभग 915 रुपीज़ तक जाता है। तो इस तरह से बार 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 इसमें चलते रहता है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जब क्रॉस किया था पहली बार 400 रुपये के लेवल पर, तो ये गया था यहाँ पर 750 तक, फिर से इसको जब क्रॉस किया तो ये लगातार इसमें बने रहते यहाँ के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ, तो ये वहाँ पर स्टॉक गया 1000 के प्राइस तक। 1000 ऐसे भी एक बहुत ही अच्छा लेवल होता है, 1000, 1500, 1500 ये सारे लेवल जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं 1000, 2000, 3000। तो यहाँ पर एक फिर से बहुत ही बड़ा करेक्शन यहाँ पर आपको देखने मिला और देखने स्टॉक फिर से वापस आ गया 444 रुपीज़ तक। और यहाँ से फिर से अब ये अपना जब अब की बार ये क्रॉस करता है अपना हाई देखते हैं जून 2020 में, मतलब 1000 के लेवल को क्रॉस करता है, यहाँ से एक बड़ा मोमेंटम हमें देखने मिलता है और अभी ये स्टॉक पहुँच चुका है 1400 के ऊपर। तो मतलब जब जब ये अपना प्रीवियस जो मतलब और प्रीवियस जो हाई होता है, मतलब ऑल टाइम प्रीवियस हाई, मतलब अभी 2020 से पहले जो ऑल टाइम का प्रीवियस हाई था वो 1000 था, तो 1000 के प्राइस को जैसे ये क्रॉस किया तो यहाँ एक बड़ा मोमेंटम 400 रुपीज़ का देखने मिला और अभी भी ये स्टॉक देख सकते हैं वीकली चार्ट पर एक ग्रीन कैंडल बनाए हुए है। यहाँ पर अभी देखते हैं इसका चार्ट देखिएगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा बुलिस है ये स्टॉक, अभी भी इसमें एक बड़ा अपसाइड मोमेंटम देखने आपको मिल सकता है। तो इस तरह से आप इस स्टॉक में चाहें तो बने रह सकते हैं क्योंकि आगे भी इसमें एक अच्छा खासा रिटर्न आपको देखने मिल सकता है। ये था टेक्निकल चार्ट पर। अगर अभी आप इसमें पोजीशन बनाते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो 1200 के आसपास होगा, तो एक बड़ा स्टॉप लॉस के साथ आप इसमें अभी इन्वेस्ट करेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की है, थोड़ा सा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्की है। साथ साथ RSI की बात करें तो ये भी 60 से काफ़ी ऊपर है, देखते हैं RSI भी हमारा 70 से भी ऊपर है, तो RSI भी काफ़ी हाई हो चुका है और स्टॉक 1400 के आसपास है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है। यहाँ पर स्टॉप लॉस भी आपका 200 रुपीज़ का है तो काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, तो अभी थोड़ा सा आप इसमें वेट एंड वॉच करें। मार्केट भी हमारा ऑल टाइम हाई पे है, मार्केट में भी थोड़ा सा करेक्शन आता है तो उसका वेट करें फिर जाके इन्वेस्ट करें। तो ये था लेवल्स और टारगेट और मतलब सपोर्ट कहाँ पर है, तो 1200 के आसपास, उसके नीचे है आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो लेवल्स जान गए, सपोर्ट जान गए, टारगेट जो हमारा इसमें होगा 2000 के प्राइस होगा। अगर यहाँ से मोमेंटम पकड़ता है 1500 के प्राइस को क्रॉस करता है तो फिर 2000 रुपीज़ का जो प्राइस होगा वो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे इस स्टॉक के फंडामेंटल्स का, क्योंकि फंडामेंटल्स को जाने बिना हम लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टेड नहीं रह सकते। अगर फंडामेंटल कंपनी का काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेक्निकल चार्ट पर भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रही है कंपनी,
तो हम उसे में इन्वेस्ट रहना काफ़ी काफ़ी मतलब हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म के लिए। काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टर्म में हमें बोनस मिलता है, स्टॉक स्प्लिट का बेनिफिट, डिविडेंड का बेनिफिट, तो कई सारे बेनिफिट्स होते हैं लॉन्ग टर्म में। तो उसके लिए कंपनी के फंडामेंटल्स को, कंपनी के बिजनेस को जानना काफ़ी बेहतरीन होता है। तो स्कॉट जो होता है हमारा एक ट्रैक्टर निर्माण करती कंपनी जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है। तो एग्रीकल्चर जो कि हमारा एक यूनिवर्सल कहिए प्रोडक्ट है, मतलब इसका प्रोडक्ट जो है यूनिवर्सल प्रोडक्ट है जो कि मतलब हमेशा 12 मंथ यूज होता है एग्रीकल्चर में, तो हमेशा यूज होगा, कभी भी इसमें रिसेशन आने वाला नहीं है। तो इस तरह से बहुत ही नेसेसरी प्रोडक्ट है हमारा स्कॉट ट्रैक्टर। तो स्कॉट ट्रैक्टर तो काफ़ी बेहतरीन प्रोडक्ट है इसका, और काफ़ी अच्छा अभी डिमांड में भी है। और इसका वैल्यूएशन की बात करें कंपनी का, तो 18,000 मार्केट कैप है, तो एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड 25%, फेस वैल्यू 10 का है, तो डिविडेंड भी अच्छा खासा दे रहा है कंपनी। अर्निंग पर शेयर 45 रुपीज है, तो अर्निंग पर शेयर भी अच्छा खासा है। उसके बाद करते हैं हम कॉर्पोरेट एक्शन पे चलते हैं। तो कॉर्पोरेट एक्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए कंपनी जो डिविडेंड देती है हर साल 2020, 2019, 2018, 2017, 2016 हर साल दी है। बोनस की बात करें तो 87, 79, 77, 74, 68 तो बोनस काफ़ी पहले कंपनी देती थी, अभी कंपनी अपनी तरफ से कोई बोनस नहीं दे रही है। फेस वैल्यू 10 है, तो स्टॉक स्प्लिट अभी तक नहीं हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं इसके फाइनेंशियल पर चलते हैं। तो कंपनी का फाइनेंशियल जो है काफ़ी बेहतरीन है, काफ़ी ज़्यादा इधर सेल्स और प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है कंपनी का। तो यहाँ पर देख लीजिए पहले जो प्रॉफिट था 2019 सितंबर वो 102 करोड़ था, अभी हो गया 228 करोड़। अगर एनुअल बेसिस पर देखेंगे तो और ज़्यादा बेहतरीन आपको दिखेगा कि कंपनी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है सेल्स में। देख सकते 3,004 करोड़ सेल्स था 16 में, अभी 5,008 करोड़ हो चुका है, लगभग डबल हो चुका है। 88 करोड़ था प्रॉफिट 2016 में, अभी हो चुका है 472 करोड़। तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लीजिए, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा निगेटिव सिग्नल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर आप देखते हैं 40% था 2019 जून क्वार्टर में, अभी मात्र 37% मतलब 36.59% प्रमोटर्स का स्टेक बचा है। तो काफ़ी ज़्यादा प्रमोटर्स का स्टेक कम हुआ है। करते हैं हम बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट कंपनी का कैसा है, तो नीचे चलते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो है हमारा 122 करोड़ है, और रिजर्व सरप्लस लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है जो कि लगातार इंक्रीज हुआ है। तो रिजर्व सरप्लस लगातार इंक्रीज हुआ है। नीचे चलते हैं, माइनॉरिटी इंटरेस्ट 5 करोड़ है, तो जो कि काफ़ी कम है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग मात्र देखते हैं 3 करोड़ है, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग काफ़ी कम है, मतलब कंपनी जो है वर्चुअली डेट फ्री है, डेट कंपनी के ऊपर काफ़ी कम है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव है। और कंपनी के बिजनेस को आपने तो जान ही लिया कि स्कॉट एक ट्रैक्टर बनाती है जो कि अच्छा खासा मार्केट में डिमांड में है, जो कि एग्रीकल्चर में यूज होता है, मतलब जो ट्रैक्टर बनाती है खेतों की जुताई के लिए, माल ढोने के लिए। तो काफ़ी बेहतरीन कंपनी है, और काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट भी है, और काफ़ी ज़्यादा यूज भी होता है एग्रीकल्चर सेक्टर में, जो कि हमारा हर समय यूज होने वाला है और साल के 12 महीने यूज होने वाला है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा कि आपको स्कॉट ट्रैक्टर के स्टॉक में इन्वेस्ट करनी चाहिए या नहीं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।